हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज कुछ मैं आपके साथ नो कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन आइडिया शेयर करूंगी। आई होप आप सभी को पसंद आएगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं हमारी जो फ्रिज की टॉप है उसको ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उसका क्लीनिंग ऑर्गेनाइजेशन, और वो भी जीरो ऑफ कॉस्ट। कोई भी यहाँ पे पैसा खर्च नहीं होगा और हमारा बहुत अच्छे से यहाँ पे ऑर्गेनाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो फ्रिज है किचन के पास रहने का, ये बहुत ही स्टिकी हो गया था और ये थोड़ा सा हाइट में ऊंचा भी है, तो इसलिए अच्छे से पता भी नहीं चल रहा था और ये मैं अच्छे से क्लीन भी नहीं कर पा रही थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये सारी चीज़ बहुत ही स्टिकी हो गया है। तो यहाँ पे मैं एक केटल का यूज़ की हूँ जो कि डेकोर के लिए, इसको भी अच्छे से क्लीन कर देंगे। आपके घर में भी अगर ऐसे केटल वगैरह कुछ भी ख़राब हो जाए तो आप इसका यूज ऐसे कर सकते हो। बहुत अच्छा सा आइडिया आपके साथ शेयर करूँगी, जीरो कॉस्ट। आप ज़रूर देखना वीडियो एंड तक। तो यहाँ पे क्लीन करने के लिए मैं सारे सामान यहाँ से हटा रही हूँ। तो आपके लिए भी एक टिप्स है कि आप जब भी कुछ सामान को या कोई भी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना चाहते हो, क्लीन रखना चाहते हो, तो आप सारे सामान को हटा के अच्छे से क्लीन करना, ताकि आपको लॉन्ग टाइम तक इसको क्लीन करना ना पड़े और बहुत अच्छी तरीके से ये क्लीन भी हो जाए और ऑर्गेनाइज भी हो जाए। और कुछ अच्छा लुक भी देना चाहते हो तो अच्छे से इसका सामान हटा के ही क्लीन करना ज़रूरी है। उसके बाद मैं आगे इसको जो स्टिकीनेस से हटाने के लिए, तो यहाँ पे मैं पहले ग्लास क्लीनर का यूज़ कर रही थी, लेकिन ये ना इतना स्टिकी हो गया था कि ग्लास क्लीनर से अच्छे से क्लीन नहीं हो पाया। तो इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, किचन का जो क्लीनर आती है ना, यहाँ पे वो यूज़ कर रही हूँ, जो यह मिस्टर मसल यूज़ कर रही हूँ, ताकि जो ये स्टिकीनेस आराम से हट जाए, मुझे ज़्यादा मेहनत करना ना पड़े। अब चाहे तो कोई जैसे होममेड क्लीनर है वो भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये जो किचन क्लीनर है इसमें आराम से जो स्टिकीनेस हट जाता है, तो इसलिए मैं इसका यहाँ पे यूज की हूँ। उसके बाद जो यहाँ पे मैं ना कवर के लिए मेरे बेटे का एक सोप पेपर था जो कि वो ज़्यादा दिन यूज नहीं किया था, तो इसका मैं यहाँ पे रीयूज कर रही हूँ। बहुत अच्छे से ये मेरा कवर की तरह काम कर रहा है और बिल्कुल जीरो कॉस्ट है। हम क्या करते हैं, ऐसे ही इसको रखे रखे फेंक देते हैं, लेकिन आप इसको आराम से बहुत अच्छे से ऐसे कवर की तरह, माइक्रोवेव कवर, टेबल कवर, कुछ भी तरीके से यूज कर सकते हो, जो कि देखने में भी काफ़ी अच्छा भी लगता है। उसके बाद ये सारे सामान को मतलब ऑर्गेनाइज करने के लिए, डेकोरेट करने के लिए मैं यहाँ पे एक ट्रे का यूज कर रही हूँ, जो कि वो भी जीरो कॉस्ट कार्डबोर्ड में, ये कार्डबोर्ड का ही ये बॉक्स है। मेरे इसमें घड़ी आया था उसका ही बॉक्स था, इसको बस वॉलपेपर से कवर कर दी, बन गया हमारा ये जीरो कॉस्ट ट्रे। और इसे ये जल्दी गंदा ना हो इसलिए मैं इसके ऊपर एक पेपर रख देती हूँ, ताकि जब भी ये डस्ट हो जाए मैं इसको निकाल के फेंक सकूँ और फिर से और एक पेपर यूज कर सकूँ। देख सकते हो फ्रेंड, ये अच्छे से ऑर्गेनाइज भी हो गया, डेकोरेटिव भी हो गया, जो देखने में काफ़ी नीट क्लीन एंड ऑर्गेनाइज लग रहा है। और यहाँ पे हम ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं एक भी पैसा खर्च नहीं की हूँ, जो भी सामान मेरे घर का बेकार सामान उसी का ही यूज करके मैं यहाँ पे ऑर्गेनाइज की हूँ। आई होप फ्रेंड आप सभी को मेरे जो आइडिया, ये जो ऑर्गेनाइजेशन आइडिया आप सभी को पसंद आया होगा और थोड़ा सा हेल्पफुल भी हो रहा होगा। अगर आपको मेरी जो आइडिया पसंद आया है तो प्लीज़ फ्रेंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। क्लीन होने के बाद ये जो केटल है कितना सुंदर लग रहा है। इसका भी मैं DIY आगे मतलब कुछ पेंटिंग वगैरह करना है तो सोच के रखी हूँ, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं इसको ऐसे ही यूज करूँगी। जब भी टाइम मिले मैं इसका ज़रूर इसका DIY आपके साथ शेयर करूँगी। नहीं तो आप ऐसे कलरफुल अगर केटल है तो ऐसे भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैं तीन ऐसे प्लास्टिक का बोतल था उसका मैं यहाँ पे यूज की हूँ, जिसके जो भी ड्राई चीज़ है वो यहाँ पे रखी हूँ, जैसे मेथी का पाउडर हो गया, टॉफी हो गया, और करी लिप्स का जो ड्राई वाला करी लिप्स वो यहाँ पे रखी हूँ, ताकि मेरा जो ये ट्रे के अंदर ही सारे सामान अच्छे से सेग्रीगेट होकर रह जाए और मतलब यूज भी हो जाए, देखने में भी अच्छा लगे और स्पेस भी क्रिएट हो जाए। अभी कुछ ऐसा लगता है मेरे फ्रिज। आई होप आप सभी को भी पसंद आ रहा होगा ये जो ऑर्गेनाइजेशन आइडिया। फ्रिज तो बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हो गया और क्लीन भी हो गया। अभी चलिए चलते हैं ड्रेसिंग टेबल के तरफ। और ड्रेसिंग टेबल के तरफ हम नहीं ऐसे सजने के लिए नहीं जाएंगे, यहाँ पर भी थोड़ी बहुत ऑर्गेनाइज करेंगे। तो यहाँ पे मैं ना ड्रेसिंग टेबल के नीचे थोड़ा सा स्पेस ऐसे था, तो जो कि बहुत सारे स्पेस भी ले रहा था और यहाँ पे कुछ अच्छे से सामान मतलब ऑर्गेनाइज होकर नहीं रह पा रहा था, तो मैं पहले क्या करते ऐसे एक ट्रे ली थी, मतलब ये भी एक स्वीट बॉक्स का कार्डबोर्ड बॉक्स है, तो इसी में मैं सारे क्या करती, जैसे कंघी वगैरह जो डेली यूज होती है उसमें मैं यहाँ पे रख के पहले यूज करी थी। नहीं ऐसे भी वो सारे स्पेस ऑक्यूपाई नहीं हो पा रहा था, तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, इसको और थोड़ा डिफरेंट टाइप तरीके से ऑर्गेनाइज करूँगी।
तो पहले अच्छे से क्लीन करना भी जरूरी है। पहले से मैं बोली कोई भी चीज़ अगर ऑर्गेनाइज करना चाहते हो तो अच्छे से क्लीन करना काफ़ी ज़रूरी है। तो इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए मेरे पास अभी यहाँ पे क्या कर रही हूँ, दो बॉक्स ली हूँ जो कि मेरे बेटे के लिए अभी शॉपिंग की थी, जो कि ड्रेस में इसका ही जो बॉक्स आया था, क्योंकि तो मेरे काम को और भी आसान किया। इस बॉक्स को देख के ही मुझे आइडिया है कि मैं ड्रेसिंग टेबल में इसको ऑर्गेनाइज करूँ। तो यहाँ पे जो बॉक्स है ये मेरा ट्रे मतलब जैसे छोटा सा ड्रॉयर की तरह काम करेगा। इसको थोड़ा सा स्टडी बनाने के लिए मैं थोड़ा सा ना वॉलपेपर से कवर कर दिया और नीचे बेस में एक पेपर भी रख दी ताकि जो बॉक्स है जल्दी ख़राब ना हो और मतलब लॉन्ग टाइम तक ये इसका यूज में आ जाए। देख सकते हो तो ये जो स्पेस में दोनों बॉक्स आराम से फिट आ गया, जो कि मेरा काम को और भी आसान किया। और इस बॉक्स को हम ऐसे ही यूज नहीं करेंगे, इसमें भी हम सामान को सेग्रीगेट रखने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे डिवाइड क्रिएट करेंगे ताकि सारे सामान आराम से रह जाए और मिक्स मैच ना हो। तो यहाँ पे मैं स्वीट बॉक्स का ही यूज करूँ। पहले मैं सोच रही थी ऐसे करूँ, फिर थोड़ा सा सोच रही हूँ कि कैसे करने से अच्छे से ऑर्गेनाइज भी हो जाए और मेरा स्पेस भी बहुत सारे बच जाए। तो यहाँ पे और एक कार्डबोर्ड बॉक्स था उसको मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ। अब ना ये सारे बॉक्सेस को आप अच्छे से डेकोरेट करके भी यूज कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं ऐसे ही यूज कर रही हूँ, कोई भी डेकोरेट नहीं की हूँ। जब भी मेरे पास कुछ प्रिंटेड पेपर आ जाए मैं इसको अच्छे से कवर करके यूज करूँगी। उसके बाद यहाँ पे जैसे देख सकते हो तो स्वीट बॉक्स में एक बोतल रखी हूँ जो कि जब भी कंघी करने का जो बाल वगैरह निकलता है ना इसके अंदर रख सकूँ, थोड़ा जैसे डस्टबिन की तरह काम करे। उसके बाद ये जो बॉक्स में ये सारे जितने भी मेरे जो मतलब यूज करती हूँ जो भी मेरे मेकअप के सामान, मेकअप तो नहीं है जो बस मॉइस्चराइजर हो गया, सिंदूर हो गया, जो कि बेसिक सामान है डेली यूज में काम आती है, उसी चीज़ को मैं यहाँ पे सारे रख दूँगी। जबकि मुझे बार बार ड्रेसिंग टेबल का जो डोर है बार बार खोलना ना भी पड़े और मेरा आराम से सारे काम भी मतलब हो जाए। तो यहाँ पे जितने मेरे बेसिक सामान जैसे लिप बाम हो गया, काजल हो गया, सिंदूर हो गया, वो सारे सामान यहाँ पे रख दी। और यहाँ पर मैं एक छोटा सा बॉक्स हूँ इसमें जितने भी मेरे बिंदिया वगैरह वो सारे रखी हूँ ताकि वो भी अच्छे तरीके से यहाँ पे अरेंज होके रह जाए। तो इसको ना मैं पीछे की तरफ रखी थी लेकिन ये मुझे निकालने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा करके मैं यहाँ पे फ्रंट की तरफ रख दी ताकि ये चीज़ मुझे आराम से मिल जाए। तो ये आप जैसे कभी भी ना ये जो कोई भी ऐसे ढक्कन लंबे टाइप का मिले इसमें आप लिपस्टिक वगैरह आराम से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो, थोड़ा सा ग्लू लगा के स्टिक करके। फिलहाल के लिए मैं इसको ऐसे ही रखी हूँ जैसे मैं जो सिंदूर लगाती हूँ बहुत सारे रखने के लिए। और ये बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हो गया, देख सकते हो फिर बहुत सारे स्पेस भी निकला है। तो आप सभी को ये वाला आइडिया भी कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई होप फ्रेंड मेरे आज दोनों ही जो ऑर्गेनाइजेशन आइडिया वो भी जीरो कॉस्ट पसंद आया होगा। आप भी आपके घर को बिल्कुल बिना पैसा के ऑर्गेनाइज कर सकते हो। ऐसे ही नो कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन आइडिया के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।